दोस्तों, कुंड न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। क्या बात हो गई, कैसे थाने में, क्या नाम आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार है जी, गांव भिंडार से मैं वर्तमान प्रधान हूँ जी। कल रात लगभग 11:15 बजे के आसपास गांव से मुड़ते ही और गन्ना सेंटर के पास आके एक साथ 2 राउंड फायर हुए जी गाड़ी के पे। अच्छा जी। और जैसे ही एकदम हमें इंगित हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है तो गाड़ी हमने तेजी से भगाई तो एक और फायर हुआ जो गाड़ी में आके लगा दी हमारी। हम गाँव में पहुंचे, पुलिस को इत्तला की। इत्तला करने के बाद थाने में भी आए, मौके पे वहाँ पे कारतूस भी बरामद हो गया था जिसका फोटो भी है हमारे पास, और थाने में आके एप्लीकेशन दी। SHO साहब और SDM साहब भी आ गए थे तो उसी रिसीविंग को लेने के लिए हम थाने में भी आए हैं और गांव के सभी मौजूद लोग भी। आपने तो पहले भी कुछ इस तरह की घटना को लेके कुछ थाने में शायद 506 में मुकदमा दर्ज हुआ था जी, अब से लगभग 10 से 15 दिन पहले जी। तो उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस समय? उसमें पुलिस से मेरी बात होती थी तो वो कहते थे कि अंडर प्रोसीडिंग है, बात चल रही है और जो मामला है उसको देखा जा रहा है, ये बातचीत हुई है जी। लगभग 15 दिन पहले भी आपने जो है शिकायत की थी जान का खतरा बताते हुए? उससे 1 साल पहले भी की थी जी। तो फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? उससे 1 साल पहले जब की थी जी तब पुलिस ने जो थी बातचीत की थी और बातचीत करने के बाद समाधान करने का आश्वासन किया था जी। तो अभी क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी? अभी फिलहाल रिसीविंग के लिए हम आए हैं, SHO साहब उपस्थित नहीं है, वो आएंगे, उनसे बात होगी। गांव डिंडार के प्रधान नवनीत कुमार पर जो हमला हुआ था, नवनीत कुमार इस गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी में पीछे गोली का निशान भी है जिसको उन्होंने बताया कि ये गोली का निशान है।